नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में दीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी गई घंटी को दबा दीजिए। इससे आपको मेरे सारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने सिलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लीजिए। फंदा आप 6 के मल्टीप्लस पे डालिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा डाल दीजिए। उसके बाद आप बॉर्डर बना लीजिए और बॉर्डर बनाने के बाद आप ये डिजाइन शुरू कीजिए। तो देखिए, इस डिजाइन को कैसे बनाना है। सबसे पहले बॉर्डर बनाने के बाद जो पहला सिलाई बनाएंगे तो पहला फंदा को सीधा बनाएंगे। देखिए, एक फंदा को उतार लेंगे या सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 6 फंदा हो गया, 2, 4, 6, एक एक्स्ट्रा फंदा था और 2, 4, 6, यही 6 फंदा को हम पूरे सिलाई में रिपीट करते जाएंगे। तो हम एक बार एक फूल और रिपीट कर लेते हैं। 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा। लास्ट का जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको हम सीधा से बना लेंगे। तो देखिए, हम पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम उल्टा की तरफ से बनाएंगे। उल्टा की तरफ से देखिए, जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाएंगे। उल्टा का फंदा है, इसको हम उल्टा से उतारेंगे, धागा को पीछे करेंगे और 2 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा को आगे करेंगे और 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा को पीछे करेंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे। 6 फंदा हो गया। फिर यहाँ से वही होगा, शुरू करेंगे 2 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे और लास्ट का फंदा को उल्टा बना लेंगे। तो देखिए, हम पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे सीधा के तरफ से। सीधा के तरफ से देखिए, पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा को आगे करेंगे और इस बार एक फंदा को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ये जो फंदा सीधा वाला फंदा है, यहाँ पर जो 2 सीधा वाला फंदा है, एक फंदा को उल्टा वाला के आगे ले आएंगे। तो इसको हम उतार करके पीछे, उल्टा वाला को पीछे ले जाएंगे और सीधा वाला को आगे ले आएंगे और इसको सीधा से बुन देंगे। एक फंदा सीधा, फिर इस फंदा को भी सीधा बुनेंगे। 2 फंदा हो गया। अब देखिए, ये सीधा वाला को इधर ले जाएंगे, तो पीछे से जो सीधा उल्टा का फंदा है इसको हम आगे ले आएंगे और आगे वाला फंदा को पीछे ले जाएंगे। देखिए, इसको पीछे ले जाएंगे, इसको हम इस सिलाई पे चढ़ाएंगे और इसको सीधा से बना लेंगे, फिर इस फंदा को भी सीधा बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हो जाएगा। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 6 फंदा का डिजाइन बन गया है। 2, 4, 6 फंदा हो गया। अब इस 6 फंदा पे भी उसी तरह बनाएंगे। देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको हम बदलेंगे ऐसे, एक पीछे वाला को आगे लाएंगे ऐसे और सीधा बनाएंगे। अब ये जो उल्टा वाला फंदा था इसको भी सीधा बनाएंगे। अब इसको इधर लाएंगे, तो इसको पीछे से हम इस तरह से सिलाई पे उठाएंगे, आगे वाला को ऐसे पीछे ले जाएंगे। इसको देखिए, हम सीधा बना देंगे
फिर इसको भी सीधा बनाएंगे। धागा को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा। तो देखिए हम यहाँ पर पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा की तरफ से। उल्टा की तरफ से देखिए पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा को पीछे करेंगे और अब यहाँ पर एक फंदा सीधा है तो यहाँ पर एक फंदा सीधा बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए सभी फंदा उल्टा है तो ये एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा का था तो चार फंदा उल्टा का बना लिए। धागा पीछे एक फंदा सीधा, ये छह फंदा हो गया। अब फिर छह फंदा पे उसी तरह बनाएंगे, एक फंदा सीधा धागा आगे, चार फंदा उल्टा, दो तीन चार, चार फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा आगे और ये एक फंदा उल्टा। तो देखिए हम पूरी सिलाई बना लिए, अब हम बनाएंगे सीधा के तरफ से। अब सीधा के तरफ से देखिए पहला फंदा को सीधा से उतार लिए और इस बार उल्टा फंदा नहीं बुनेंगे, इस बार क्या करेंगे यहीं से इसको बदल देंगे। एक ही उल्टा फंदा बचा है तो हम इसको यहीं से बदल देंगे और यहाँ पर इसको चढ़ा करके इसको सीधा बना लेंगे, फिर इसको भी सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ पर सभी फंदा को सीधा बना देंगे और ये जो सीधा का फंदा है इसको हम इधर ले जाएंगे। तो इसको हम पहले उल्टा फंदा को आगे ले आते हैं, इसको पीछे ले जाएंगे, इसको भी सीधा बनाएंगे, इसको भी सीधा बनाएंगे। तो देखिए छह फंदा हमारा इस तरह हो जाएगा और अब हम छह फंदा को भी उसी तरह बनाएंगे। ये जो है आगे लाएंगे पहले इसको, पीछे जो सीधा वाला फंदा था इसको हम आगे ले आएंगे और इसको सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पर सभी फंदा को सीधा बनाएंगे, दो तीन चार, इसको सीधा बना लिए और ये सीधा फंदा को इधर ले जाएंगे। तो इसको हम पीछे से ऐसे सलाई पे उठा के इसको हम पीछे ले जाएंगे और इसको सीधा से बना लेंगे, फिर देखिए इसको भी सीधा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरी सिलाई बन गया है और इसको हम जो लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा था उसको भी सीधा बना लिए। तो यहाँ पर हम पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरफ से। उल्टा के तरफ से देखिए पहला फंदा को उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा बना के तैयार करेंगे। अब जो है छठा सिलाई पूरी सिलाई हम उल्टा बनाएंगे, उल्टा के तरफ से छठी सिलाई पूरी सिलाई को उल्टा बना लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर छठी सिलाई बना लिए हैं और यही छह सिलाई का हमारा डिजाइन है। तो हम यहाँ पर पूरी सिलाई बना लिए हैं और देखिए ये हमारा डिजाइन बन करके तैयार हो गया है और बस इसी को अब हम फिर से रिपीट करेंगे। फिर उसी तरह फर्स्ट रो के जैसा जैसे पहली सिलाई बनाए थे, एक फंदा को उतार लेंगे, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा और फिर दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा उतार सीधा। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई में, हम पूरे स्वेटर में इसको रिपीट करते जाएंगे। तो हम थोड़ा सा आपको रिपीट करके दिखाते हैं, थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपीट कर लिए हैं और हमारा ये डिजाइन बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।